जब मुझसे ये प्रश्न करते हो कि घर वाले दोस्त यार नात रिश्तेदार समाज के लोग हमसे इस तरह की मांगे करते हैं उनकी मांगों का क्या करें तो पहले मुझे ये तो बता दो कि ये लोग तुमसे जो मांगे कर रहे हैं ये लोग हैं कौन उनके होश का स्तर क्या है उनको बोध कितना है उनमें जागृति कितनी है सत्य के प्रति उनमें निष्ठा कितनी है तुमसे पूछा जाए कि तुम्हें सत्य का कुछ पता है तो क्या बोलते हो तुम्हारे घर वालों को कुछ पता है तुम्हें तो फिर भी इतना पता है कि तुम्हें नहीं पता उन्हें क्या इतना भी पता है कि उन्हें नहीं पता तुमने इतना तो करा कि तुम्हें नहीं पता तो तुम यहां आकर बैठे कि शायद कुछ पता लगे उन्हें नहीं पता फिर भी वो इस हद तक लापता है कि उन्हें यह भी नहीं पता कि उन्हें नहीं पता तो हम ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं अब ऐसों की बात को तुम बड़ी गंभीरता पूर्वक पूछते हो कि क्या उत्तर दिया जाए ऐसों की मांगों का पालन करोगे या उनकी मदद करोगे उनको उपचार दोगे तुम्हारे घर में कोई बच्चा है चलो बड़ा है वो नशे का आदि हो गया है तो दिखने में तो लग रहा है बहुत बड़ा जवान हो गया है बिल्कुल पर लत क्या लगा रखी है उसने नशे की ही? और दिखता कैसा है बिल्कुल बड़ा जैसे कोई भी और वयस्क दिखता है उतना बड़ा दिखता है वो पर भीतर ही भीतर उसको नशा लगा हुआ है अब वो तुमसे मांग करता है दिन रात जो आदमी नशे में होता है मांग करता है कि नहीं करता है अब वो आदमी तुमसे मांग करता है दिन रात तुम उसकी मांग पूरी करोगे या उसका उपचार कराओगे उत्तर मिला जब जानते ही हो कि जो लोग तुम पर तमाम तरह की मांगे रख रहे हैं वो खुद नशे में है तो तुम्हें उनकी मांग पूरी करनी चाहिए या उनकी मदद करनी चाहिए और जो नशे का गिरफ्तार हो गया उसकी मदद इसमें है कि तुम उसे और नशा दो या इसमें है कि उसका नशा छुड़वा दो पर अक्सर यही लगता है कि बेचारा कितना तड़प रहा है नशे के बिना और जिसे नशे की लत हो वो नशे के बिना बहुत तड़पता है और वो तुमसे हाथ जोड़ के और रो के और पाँव पकड़ के कहेगा मेरी बात मान लो मैं जो मांग रहा हूं मुझे वो दे दो मेरी चाहत पूरी कर दो बेटा बहू ले आ दे बिल्कुल इन दोनों दृश्यों को अगल बगल रख के देख लो एक आदमी है जिसे नशे की लत लग गई है वो भी ऐसे तुम्हारे पाँव पकड़ के रोएगा अपने आंसूस तुम्हारे पाँव धो देगा बस एक बार मेरी तमन्ना पूरी कर दो वैसे ही घर वाले होते वो भी तुम्हारे पाँव पकड़ के रोएंगे कभी धमकाएंगे भी कभी तमाम तरह के तर्क वितर्क करेंगे हम जो कह रहे हैं मान जाओ हमारी मांग पूरी कर दो तो ठीक है उनकी मांग पूरी करनी है तो स्मैक कोकीन हशीश जो भी हो लाके दे दो और कह दो कि हमारा दिल पसीज गया इतना रो रहा था कि मानना ही पड़ा और जिसको लत है वो भी तुमसे ऐसे ही बात कर सकता है कि क्या तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं मेरे लिए मैं इतनी कशिश से इतनी संजीदगी से इतनी भावना से तुमसे मांग कर रहा हूं कि मुझे कुछ ला दो ला क्यों नहीं देते क्या मेरी इच्छाओं की पूर्ति करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है वो तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारी याद दिला रहे हैं कि हमारी इच्छाओं की पूर्ति करो यही तुम्हारी जिम्मेदारी है तुम्हें उनकी इच्छाओं की पूर्ति करनी है या उनका इलाज करवाना है इलाज करवाओ जब मुझसे ये प्रश्न करते हो कि घर वाले दोस्त यार नात रिश्तेदार समाज के लोग हमसे इस तरह की मांगे करते हैं उनकी मांगों का क्या करें तो पहले मुझे ये तो बता दो कि ये लोग तुमसे जो मांगे कर रहे हैं ये लोग हैं कौन उनके होश का स्तर क्या है उनको बोध कितना है उनमें जागृति कितनी है सत्य के प्रति उनमें निष्ठा कितनी है और यदि ना उन्हें बोध है ना होश है ना जागृति है ना सच्चाई से उन्हें कोई सरोकार है तो ऐसे नशेड़ियों की मांगे पूरे करने को तुम काहे उतावले हो रहे हो तभी तक उतावले हो रहे हो जब तक तुम खुद बेहोश हो जैसे जैसे तुम जगते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारे लिए असंभव होता जाएगा बेहोश लोगों की मांगों पर चलना तुम्हें कहाँ दुख है कहाँ दर्द है तुम कहां पर भ्रम में हो इसमें गुरु की सार्थकता है गुरु शब्द के आचार्य शब्द के बहुत तुम अर्थ कर सकते हो उन अर्थों से तुम्हारा काम नहीं चलेगा तुम अपनी परेशानी को देखो तुम फंसे हुए कहाँ हो इसको देखो जहाँ तुम फंसे हुए हो वहाँ से तुम्हें जो मुक्ति दिला दे वो तुम्हारे काम का बाकी सब बातों में कुछ सार नहीं है